चालू कर। गुरुवेव गौरव संग्रह श्री राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो विष्णुपादाय गुरुपेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थेष्वाम गुरुभिमानशून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशान्ताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय कीर्तन करता हूँ तो कीर्तन का अर्थ तो हिंदी में कई बार कोई भाव आता है, बंगला तो समझते ही हैं, तो उसको साथ साथ बोलना, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा डिस्टेंस रख लेना जो मैं एडजस्टमेंट करूँ कि हाँ ये गुरु जी की सेवा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं, भव महादावाग्नि निवापन होने से किस प्रकार के भाव जो है वो हृदय में उदित होते हैं। जीव का जब वो स्थिति आ जाती है तभी भव महादावाग्नि निवापन हो सकती है, होती है। सो मत इधर आ जाओ, यहां यहां आ जाओ, बड़े अच्छे से होता, कॉम्पिटिटर आ गया आपके। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रथम श्लोक के द्वितीय पद का अर्थ हम लोग श्रवण करके आज तृतीय पद के अर्थ को श्रवण करेंगे। तीसरा पद क्या है? बिना याद किए श्री कैरव चंद्र का ये तीसरा पद है, प्रथम श्लोक का दसवां पाद, तीसरी प्राप्ति तीसरी सिद्धि कुछ भी नहीं। पहले से आगे बैठोगे ना फिर आपको घुसल घुसल के लिए आना पड़ेगा, पहले आगे रहेंगे। तो उसमें कैरव का मतलब होता है किरणें, जो अमृत मई जो किरणें हैं किसकी? चंद्र की, चंद्रिका के रूप में अमृत तुल्य जो है किरणें जो है वो प्रकाशित होती है। यहाँ पे भाव ये है, ये क्यों बोला से है कई वचन, इसलिए बोला कि जो हृदय जल चुके हैं दावानल से उनको पुनः अंकुरित करने के लिए महादावा में निर्वापित हो गया, बारिश हुई खूब भगवान की। तो बारिश होने का मतलब हमारे अंदर दैन्यता और हमारे अंदर त्रिनादपि सुनिश्चय श्लोक का स्वरूप प्रकाशित हुआ, यही भगवान की करुणामयी बारिश है, वृष्टि है, यही वृष्टि है। क्या हमने खुद नहीं करना? हमने जो खुद करना है वो समर्थ नहीं है जीव का कि अभिमान को खत्म कर सके, प्रतिष्ठा आशा को नष्ट कर सके, संभव ही नहीं। ये उनकी हमारी चेष्टा, उनकी कृपा, यशोदा मैया की एक उंगली चेष्टा, ठाकुर जी की एक उंगली बन जाना, तो इस प्रकार से हमारी चेष्टा और उनकी कृपा से ये
महादावागम जो है वो निर्वापित हो गए, मतलब करुणा कृपा हो गई पूरी झरझरा के भरभरा के। लेकिन अब जब तक चंद्र की ऊर्जा वो नहीं प्राप्त होगी, वो अंकुर नहीं फूटेगा। बांस जो है वो रात्रि के समय में बढ़ता है, तो मैं तो बांस लो बांस को अपन बाहर दिने वाला ना रात्रि वाला। तो क्योंकि चंद्र की जो सुशीतल किरणें हैं वो उसकी कपोलों में जब जाती है, जहां धरती पे पड़ती है तो उसको थोड़ी ठंडक मिलती है, बाहर निकलता है। तो उस प्रकार से मंगल स्वरूप भगवान की करुणा में कृपा रूपी, फिर वही जो करुणा है उसका रूप बदल जाता है। पहले तो आग को खत्म करने के लिए था, अब वही करुणा एक रूप बदल करके चंद्र की सुशीतल किरणों के रूप में, अर्थात भगवान के मुख चंद्र की रश्मि का अनुभव होना, भगवान के स्वरूप का ग्लिम्स को क्या बोलते हैं, झलक, झलक, भगवान के स्वरूप की झलक कभी सपने में गुरुदेव, कभी नाम करते करते अचानक से कोई स्वरूप का चिंतन, ये जब होने लगता है ये श्रेय कैरव चंद्र का अमृत है। तो ये होने से क्या होगा, अब किसी को अगर अमृत मिल जाए पीने को विषमागेगा, मतलब ही नहीं रहा। अरे वो जो चीनी बनाने से पहले गुड़ का जो निकालते हैं ना महिला, वो तो महिला निकाल के जो रखा है उसको सियार आके खाता है, तो तमाकू में भी पड़ता है, नशा होता है, तमाकू में पड़ता है। तो वो जो उसमें मीठा है निकाला, उसमें मीठा है, कोई कोई गरीब लोग उसी को लेकर के मीठा समझते हैं, उनको गुड़ खाने का समर्थन। हम लोग वैसे ही गरीब हैं, प्रेम धन बिना भक्त दरिद्र जीवन, और हम यही जो है ये कूड़ा कवार जो है संसार, क्या कूड़ा कवार संसार, ये शरीर इसी को चाट रहे हैं, इसी को खा रहे हैं। अब जैसे ही अमृत मिला, क्या भगवान के क्या था झलक, भगवान की झलक जो है, भगवान का कभी कोई स्वप्न का कुछ ऐसा मिलना शुरू हुआ, फिर तो भगवान देने की भी इच्छा करे ना तब भी लेने की भी होती। ये मंगलमयी करुणामयी भगवान की झलक रूपी किरणें हमारे अंतःकरण में कभी प्रकाशित हुई हैं या नहीं हुई हैं, या हम को अगर ये हो रहा है तो हमें बहुत विशेष रूप से परम यत्न करना होगा कि वो तीसरा श्लोक भूले नहीं, क्योंकि वो भव महादावागमी है। तीसरा श्लोक निवापन करने का जो स्थिति है उसको ना भूले। अगर भगवान की गुरुदेव की आप पे योग्यता वाली नहीं, अहेतु की करुणा है कि वो आपको कभी स्वप्न दे जाते हैं, कभी दर्शन दे जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो याद रखें सुनिश्चय श्लोक को मत भूलिए। अगर उसे आप भूल गए ना फिर ये गायब, अगर अभिमान आ गया तो गायब ही हो गया, बैठेंगे जी आपको हमने बोला आ गया आप आए नहीं, इसलिए पहले बोला। अगली वाली सीटें खत्म कर दो, इसलिए कभी कभी किसी किसी जीव की सरलता के कारण, इतनी शब्द को जाना, सरलता के कारण गुरुदेव उसमें अनायास अहेतु की कृपा कर देते हैं। इसका अभिप्राय ध्यान से समझिएगा, सरलता है, बेचारे को पता नहीं, निष्कपटता से उसने घर बार छोड़ दिया, उसने
भाव में आकर के भगवान के गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर दिया। समर्थ नहीं है कि वो काम क्रोध लोभ मोह को जीत पाए, फिर करुणा करके गुरुदेव कभी कभी उसको ऐसे झलक दिखा देते। वो जैसे दिखाते हैं ना तो समझ लो भैया तुम पे मंगलमय उनकी करुणा की किरणें बरस रही हैं। तृणादपि सुनी चेन श्लोक को जबरदस्ती पालन करता है, इसको नहीं भूलना। मतलब मेरे को गुरु की कृपा हो रही, मैं कुछ भी हो रहा है, मारो पीटो अपने आप को, शासन को रखो, किसी पे क्रोध आ जाए उस वक्त निकल गया एकांत में जाकर के खुद को पनिशमेंट दो। हमने परम पुत्र का कई महापुरुषों का संग किया, सो याद आता है परम पुत्र पूरी महाराज जी अपने प्रसाद पूरी गोस्वामी महाराज जो पूरे गोस्वामी बोलते ना वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए पूरी हमारे तो हमारे पूरी गोस्वामी महाराज उनको देख रोज शासन किया, कमरे में जाकर के फूट फूट के रो रहे, शासन ना करें तो बिगड़ जाए ब्रह्मचारी, शासन किया कमरे में जाकर रो रहे हैं। और वो करुण स्वरों में कानों में शब्द सुनाई दिया, गुरुदेव मेरा क्रोध कब जाएगा। अरे वो गलती की, आपने शासन किया, माता पिता है हमारे, ठीक है माता पिता है, लेकिन मेरे अंदर तो क्रोध आया, मैं कैसे उनको जो है, मतलब अपने आप का शोधन तो रहेगा ना, ये ध्यान रखना होगा। याद रखिए आज इस सूत्र को हृदय में बांध लीजिए, अगर भगवान और गुरुदेव का कोई स्वप्न दर्शन आपको होता है, हरिनाम करते समय अगर उनका कोई स्मरण हो आता है, तो समझ लीजिए आपके ऊपर उनकी अहेतु की करुणा है। वो श्रेय कैरव चंद्र का वितरण हो रही है आपके ऊपर। अब सावधान हो जाइए, परम यतने कहीं लभ अधिकार, तृतीय श्लोक को कभी मत भूलिए। जैसे ये चतुर्थ श्लोक का पूर्ण अनुभव हो जाता है जीव को, मतलब त्रिनादपि सुनिश्चित श्लोक जो है ना वो पूरी तरह अंदर आ जाता है, और जैसे पूरी महाराज जी तड़प रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परम गुरु से उन्होंने रोते रोते प्रार्थना की, शायद हमारे पुजारी प्रभु जी ने, मतलब प्रसाद प्रभु जी ने बताया या देवी महाराज ने बताया, गुस्से में बताया ऐसा, मतलब गुरु जी से भी रो रो के बोलता था, हमारा गुस्सा नहीं जाता, गुस्सा नहीं जाता। हाँ, सोचने वाली बात है कि तब से वो प्रयास कर रहे हैं, तब तो गुस्सा हो सकता है कि बेकार ढंग से भी होता हो, बेकार सा भी होता हो, जब वो जवानी में बचपन में एक स्वभावगत उनके अंदर जो वो है, लेकिन जब वृद्धावस्था में आए हम लोगों ने दर्शन किए तब उनका विरह था। तो कहने का अभिप्राय भव महादावाग्नि में से प्रतिष्ठा आशा जो है ये भयंकरी है, इसको हमने हर हालत में इसको प्रशासन करना है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर गुरुदेव की करुणा डेफिनेटली है, वो कृपा करके कभी 6 महीने में 1 महीने में किसी किसी को बड़ा कंटिन्यूअसली होता है दर्शन दे जाते हैं, कभी धाम का तो दर्शन हो जाता है। याद रखिए आपको आए हुए स्वप्न उन नास्तिकों की कही हुई वाणी की तरह आपके कपोल कल्पना नहीं है, भगवत धाम के गुरुजनों के वैष्णवों के दर्शन अगर स्वप्न में होते हैं ये कोई संसार की कल्पना नहीं है कि आप कर लो तो आ जाए, ये चिन्मय वस्तु है, ये अगर आई है तो आपके ऊपर मंगलमय उनकी करुणा की किरणें बरस रही है। ऐसी स्थिति में त्रिनादपि सुनिश्चित श्लोक को अंदर बैठा लो, बस गुरु जी मैं अब आपको बोलू कहते हृदय में ऐसा भाव आ जाए कि गुरुदेव आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मैं तो किसी भी योग्य नहीं हूं, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं अपने आप को शासन करूंगा, किसी पे शासन नहीं, और अगर जरूरत पड़ती है शासन की करना भी है, सेवा है, ठाकुर जी को भी बांधना है तो बांधना है, साधना की है यशोदा मैया ने, बांधना है तो बांधना है, मारूंगी थप्पड़ मारूंगी खींच करके, लेकिन मां यशोदा उसके बाद कितना विलाप और पश्चाताप करती वो भी याद रखना। वो जैसे श्रेय कैरव चंद्र का वितरण अर्थात
ये ब्रह्माद अग्नि निवापित हो जाएगी, उस वक्त किसी भी दृष्टि से दुनिया की कोई भी ताकत आपको कहे स्वर्ग ले लो, मोक्ष ले लो, सिद्धि ले लो, रिद्धि ले लो, ना धनम ना जनम ना सुंदर, ये है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण का स्वरूप। जैसे ही वो वितरित होगी, जैसे ही हमारे हृदय में अवतीर्ण होगी वो किरणें, साथ साथ ये उसका स्वरूप प्रकट हो जाएगा। क्या नाधनम ना जनम न सुंदरियम कविता जगदीश काम मम जनमने ईश्वरे भवता भक्ति लहरी। हे जगदीश, मैं धन धन पांडित्य छल युक्त त्रिवर्ग की कामना, धर्मार्थ काम की वांछा, यहाँ तक कि स्वयं को निराकार ब्रह्म में विलीन करने की वांछा, मोक्ष कामना जो अधिक कपटता पूर्ण है की कामना नहीं करता। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि आप में मेरी एकांत की अहेतु की भक्ति हो। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, ये प्रभु ये संभवित हो सकता है, ये मंगलमय गर्णों का अनुभव होगा। जब श्रेष्ठ रस मिलेगा तभी वो छोटा मिश्री जिसको मिल गई उसको ढेर सारी मिश्री दे दी, वो खाएगा उस शीरे को और जो गुड़ का कादा है खाएगा, अरे मिश्री खा रहे हैं, अरे उसको खाएगा वो इतना कड़वा, अरे हम आज तक ये खाते रहे, ये लगेगा आज तक ये सपने लेते रहे, यार ये कृपा। इसलिए मंगलमय करुणा की किरणों का फल जो है वो है नाधन। आज कितना भी समझा लो मन को, नहीं धन धन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यहां पे बोल रहे हैं, निकलते ही कोई ऐसा बिजनेस पॉइंट का, कोई ऐसी नौकरी का, कोई ऐसा बिल्कुल व्यवस्थित मिल जाए तो बड़े बड़े महात्माओं पर मन डोल जाता है, भैया अच्छा माल मिलेगा, भले ही उसमें सेवा की भावना हो, कईयों की तो होती भी नहीं। वो भी ना धनम ना जन्म वाली स्थिति जो है आती है, क्यों? ठीक है, अपने मन में बड़ी इच्छा है, मेरी बड़ी इच्छा है, क्या बात है फिर महाराज, हाँ बड़ी इच्छा, दो तीन ऐसी इच्छाएं हैं ना पूरी हो तो कोई बात नहीं ठाकुर जी, कोई मेरे को दोबारा मत भेजना, गलती मत कर लेना, मैं नहीं खाना, जन्मे जन्मे ये न तब नाम गुण का गई, मैं वो लाइन खाऊ नहीं भैया, मेरे को तो ले लो। दो तीन इच्छाएं हैं, एक तो ऐसी है कि गुरुदेव का नाम कम से कम 300-400 सालों तक हर व्यक्ति की निगाह में आए, ऐसा भाव है, पूरा हुआ हुआ नहीं हुआ तो मैं उसका आया तो सही, मन में तो करे लियो, मन में तो आनंद ले लिया, हो नाना से। इस प्रकार से एक दो और इच्छाएं थी, उनमें से एक इच्छा तो अभी कोरोना काल में खत्म हो गई, वो था कि 50 लाख किताबें पूरे हिंदुस्तान में घर घर में बांटी जाए, उसमें गुरुदेव का, चौपाद का, परम गुरुदेव का संक्षिप्त चरित्र और सनातन धर्म पूर्ण रूप से सिद्धांतिक रूप से जो है सरल से सरल भाषा में अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होकर लोगों के घरों। दो इच्छाएं विशेष रूप से थी, तीसरी को ऊपर वाली थी वो भी पूरी होने वाली, उसके बाद हम तो बैरागी बाबा जी का जय राधेश्याम, 10 सालों के अंदर तुमने अगर कुछ कराना घर वालों ने तो हम तो फिर तुम्हारे और तुम हमारे, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। तो विषय बड़ा अच्छा लगा कि हमें जब उनका संग होने लगा तो और की क्या जरूरत, अब तो नजदीकी और बढ़नी चाहिए, ऐसी बढ़नी चाहिए कि आपका आप ही मेरे जीवन हो, विद्यावधु फिर तो और कुछ नहीं चाहिए, अब जब आ ही रहे हो सपनों में तो फिर संबंध ही बना लेते हैं विद्यावधु, ऐसा होता है संसार में, ये बात तो इसको हम लोग इसको समझते हैं। मैं धन जन सुंदर कविता पांडित्य, कोई कोई इसको सुंदरी और कविता
दो लगाता है। सुंदरी का मतलब स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, सुंदरी। कविता, बड़ा विद्वान विद्वान, मतलब अचानक से ही कहीं से भी कुछ अचानक से निकल के आ जाए, कुछ भी कविता बना दो, भी नहीं चाहता। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म जन्म में, किसी भी जन्म में जाऊं, मेरे को आपके अहेतु की भक्ति ही प्राप्त हो। ये है श्रेय कैरव चंद्रिका ग्रहण। वितरण तो हो ही रही, जब ग्रहण होगा तो ऐसा भाव होगा। ऐसा भाव होने से ग्रहण नहीं होगा, ये उल्टी बात है। ऐसा भाव होने से हम नहीं चाहते ना, अरे ये भाव ही नहीं होगा, नहीं होगा। गुरु जी कहते यहां से बोलता है, यहां से बोलो ना धनम ना जनम ना सुन, है यहां से हो जाएगा। और हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे प्रभु जी हमारा बच्ची का शादी विवाह हो जाए, ऐसा करेगा। हमारा काम, बेटे का नौकरी नहीं हो रहा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण मन मन में सोच रहा है, बेटे का तो मुख से बोलता है हरे कृष्ण कृष्ण, ना धनम ना जनम ना सुन। गुरुदेव की कई बात है ना, बड़ी प्यारी सी, बड़ी भोली सी, बहुत सुंदर। तो हृदय से कब आएगा, जब त्रिनादपि सुनी जैन श्लोक हमारे सामने होगा सब समय। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है वह श्लोक जो है, स्मरण तो है, बीच बीच में भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। खुद के ऊपर शासन करना, एकांत में विलाप करना, प्रार्थना करना, ये अवश्य जारी रखना चाहिए, ठीक है, तभी बाकी सब चीजें संभव होगी। चल से चल गए, चल से ना। कई भक्तों के हृदय में ये भाव आता है, ऐसा नहीं आता कि हे प्रभु जय हो, आपकी करुणा प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो, हमें नहीं चाहिए और कुछ आता है। ये भाव भी झलक रूप से जो गौरीय परंपरा में भक्त आ गए उनके हृदय में आता है। और फिर देखते हैं कि प्रभु मैं किसके दरवाजे जाऊं, किसको जाके कहूं कि घर में ये मुसीबत है। ठीक है मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आखिर ये चिंता होती है, आपसे नहीं बोलू तो किससे। तो ये प्रार्थना उसके झलक के रूप में जब आती है, अभी पूर्ण रूप से नहीं आई, झलक के रूप में भी ये जब प्रार्थना आती है तो इस प्रकार का भाव आता है। मैंने देखा कई लोग त्रिनादपि सुनिचयन श्लोक का आभास पूरी तरह प्राप्त किए हुए हैं, आभास अर्थात उनके और कोई क्लेश नहीं, ना किसी से वो दुखी होते हैं, जो उनको कोई कष्ट देता सोचते हैं हमारे कर्म का फल, ना किसी से दुखी होते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं, ना किसी की चर्चा करते हैं, ना प्रतिष्ठा के लिए पागल होके पड़े कि हमको कोई समझे। ऐसे हैं कई लोग, अभी अचानक से बात दिमाग में आई तो, परंतु कुछ कामनाएं रह जाती, वो कामनाएं भी अपने लिए नहीं होती, वो चिंता का कारण बन रही है, तो किसके पास जाए। तो उसके लिए कहते हैं बड़ी सुंदर बात, अकाम सर्व काम हो मोक्ष काम उदार ही इंद्रेन भक्ति योगी जलेत पुरुष परम। कामना हो ही ना अकाम, सर्व कामो वा, कामनाओं का सारी की सारी कामना है,
यहां तक कि मोक्ष कामी भी क्यों ना हो, निष्काम सकाम मुक्ति काम कहते इनको छोड़ो, उदार भी, उदार भी का मतलब ना मोक्ष चाहिए ना कोई संसार के काम में ना ऐसे ही लगा हुआ, उदार भी मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिसकी भावना है, आप प्रसन्न हो जाते हैं, तुझे क्या चाहिए मेरी प्रसन्नता चाहिए। आदमी दूसरे को कुछ इसलिए करता है कुछ स्वार्थ स्वार्थ पूरा हो, तेरा क्या जरूरत है, मेरा एक ही स्वार्थ है ठाकुर उदार भी हूं मैं देने वाला हूं, बोलो वृंदावन। ये है ब्रज के रसिक भक्त, कहते कन्हैया तो मेरे नाच देखे में आनंद है, मैं नाचूंगा तो मैं आनंद आ रहा हूं ना बस तो आम होते। अरे भैया तू काय को नाच रहे हो, कभी नैनो दिनों ले ले भाई, यही ले लो तू मुस्कुरा तो है, ये भाव इसको जो इस चतुर्थ श्लोक में सही है कैरव चंद्रिका के अनुभव में जो लोग नहीं आए हैं वो लोगों के अंदर बाकी दावा नल जो है शमित हो चुका है, परंतु उन लोगों के लिए फिर क्या है, उन लोगों के लिए ये है कि वो प्रार्थना करते हुए एक निवेदन जरूर करें कि हे कृष्ण मेरा निवेदन है परंतु ये मेरी मेरा ये लक्ष्य नहीं है, ये मेरी चाहत नहीं है, आपको दिखाई तो दे ही रहा है, देख लो अगर करना तो कर दो, बाकी मैं बार बार मांगूंगा, मेरे को गुरु जी ने सिखाया ना धनम ना जन, लेकिन लगता है बच्ची है शादी हो गया बेटा है नौकरी मिल जाए, हम बूढ़े हो गए ठाकुर सेवा में विघ्न आएगा आपकी प्रार्थना करनी, ठाकुर जी से ऐसे प्रेम से प्रार्थना कर दीजिए कोई दोष नहीं है। अरे विदुर ने प्रार्थना की, द्रौपदी ने प्रार्थना की, जितने भक्त हैं चरित्र हम देख रहे हैं उन भक्तों की ठाकुर जाकर के दास्ता कर रहे हैं, हम तो दास्ता तुम्हें कहने को कर ही ना रहे बोल ही ना रहे, अनेक सौ काम है ऐसी दृष्टि कर दो सवरे देवता आ जाएंगे वहीं पे, सवरे ग्रह आ जाएंगे कहेंगे कहूं ना जाएंगे भैया तुम्हें प्रसन्न कर लें, ठाकुर जिनकी टेढ़ी दृष्टि सीधी दृष्टि कैसी दृष्टि तुम पे पड़ गई, अरे कृपा है तुम्हारी जब ही तो ये भाव आ रहा हमें है ना, ये प्रार्थना प्रार्थना ऐसी कर, इसलिए चेतो दर्पण मर्शनम भव महापणम श्रेय कैरव चंद्रिका जीवनम आनंदाबोधिवर्णनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वागतम सर्वात्मसरपणम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन सरनाशन चित्तशुद्धि सर्वभक्ति साधनम कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृत स्वादम कृष्ण प्राप्ति सेवामृत सौमुद्री मर्जन पीत वरला कवि पावन Hey.
बाकी जगह तो नॉर्मल कीर्तनों में सुबह के समय मंगला से पहले वाला ये कीर्तन होता है जो बड़े करतार बजते हैं, हाथ जोर जोर से मतलब बाई चांस वहां पे
मैं भी जो है कसम यहाँ में पहुंच गया। वो तुलसीदास प्रभु जी, प्रेमदास प्रभु जी, ये सब लोगों ने कीर्तन जो है वो बंगला पहुंचाना शुरू किया। उसके बाद पहुंचा तो ज्यादा करताल भेजने लगे, मैंने उसको हल्का करा दिया। ऐसे ऐसे देखा लोगों ने, एक करताल बज रहा था ना, दो करताल बज रहे थे और मीठा मीठा मधुर मधुर कीर्तन हो रहा था। गुरु जी आए तो गुरु जी ने ये बात को बोला, वो जो बोलते ना कखटी वो है घंटी, गुरु जी कहते ऐसा जो कीर्तन है धीरे धीरे मधुर मधुर कीर्तन पुष्प सारिका का माफिक ठाकुर जी का गुणगान होता। अभी जैसे इतने में पुजारी जी आ गए और ढैंग 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 ऐ कखटी बोलता है, अरे भगवान उठेगा। वर्तन्ते त्रस्तवृन्दे तु बहुविरवैरवोदितो कीरशारी हृदेरपि सुखशयनात् उत्थितौ तौ सखीभि दृष्टो हृष्टो तदात्मोदितरतिललितो राधाकृष्णो देखिया बिंदा दिलस्त कुंज नाना दब गोपाल
करुणा सिंधु जगत जगत करो प्रभु शुभ दृष्टि प्रभु किसने डाला हमारे से चला 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 ये किसने डाला ये किसने डाला था अभी कहाँ डाला किसने डाला था उन्हें डाला था इसको ये वाले साहब नहीं तो डाल के तो क्या Thank you.
Mala Rupa